दूसरी जानब चेयरमैन जिला बस्ती रिहान हाशमी का यह कहना है कि शहर में 8 सालों से कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 8 साल के कचरे को साफ करने के लिए 8 महीने तो चाहिए, लेकिन फंड की कमी के बायस सफाई के कामों में मसाइल का सामना है। चेयरमैन जिला बस्ती रिहान हाशमी सफाई सुथराई के मामलों पर सरगर्म है। चेयरमैन जिला बस्ती रिहान हाशमी सफाई सुथराई के मामलों पर सरगर्म। हमारा कराची, शहरी कराची, अपने शहर को साफ करो। कराची को साफ करने का अज़्म लिए चेयरमैन रिहान हाशमी भी अपना किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन जिला बस्ती के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम सुमरो ने गोधरा से नाकन चौरंगी तक के इलाके में सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान रिहान हाशमी का कहना था कि कराची में सफाई के मामलों में इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नागन चौरंगी तक के दौरे में ऐसे बहुत से इलाके भी देखे हैं जहां सफाई का नामो निशान तक नहीं पाया जाता, जबकि इन इलाकों में गैर कानूनी तजावुजात की भी भरमार है। उनका कहना था कि ग्रीन बेल्ट पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। तजावुजात की भरमार के साथ साथ इन इलाकों के फुटपाथों की हालत नाकाबिले बयान है। नाजायज तजावजात भी थी ग्रीन बेल्ट के ऊपर, उसके अतराफ के इलाके में। ये रास्ता वो है जो कि इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जाता है। इसके अलावा बेशुमार डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, लोग भी परेशान थे, जहां पर मैकेनिक्स की वजह से भी यहां पर हुआ हुआ था इंक्रोचमेंट वगैरह। हमने इसका एक मुरतब किया है प्लान, बहुत ही मजबूत प्लान था और उस पर अमल दरामद कल से शुरू हो गया। वो पहला प्लान था कि एंटी इंक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, ऑपरेशन होंगे, साथ में हमारी जो BNR की एक्टिविटीज़ हैं, फुटपाथ को साफ करना और उसके ऊपर पेंट करने की एक्टिविटीज़ वो ऑन गोइंग है। पार्क डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड आ गया है, मोहल्ले के लोग और एसोसिएशन के लोग ऑन बोर्ड हैं, मुतल्लिका चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी ऑन बोर्ड हैं। तो ये इज्तिमाई एक एफर्ट है तमाम डिपार्टमेंट्स की, इवन के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी इसमें ऑन बोर्ड है, लैंड डिपार्टमेंट KMC का ऑन बोर्ड है। तो ये कलेक्टिव एक्शन है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कलेक्टिव एक्शन एज अ रोल मॉडल हम इस रोड को लेकर जो जा रहे हैं, इसके नतीजे अच्छे आएंगे। रिहान हाशमी का कहना था कि सिंध हुकूमत से सवाल करना चाहते हैं कि हमारे फंड्स को क्यों रोका जा रहा है, जबकि फंड्स के नाकाफी होने की वजह से शहर में सफाई के नाकिस इंतजाम देखे जा रहे हैं। जो ये मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके फंड्स को क्यों रोका जा रहा है, उनके जो ड्यू राइट्स है, अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए से में से 80 रुपए उनका हक बनता है, ये सवाल उनसे किए जाए। हाँ, कराची पूरा हमारा है, हम ओन करते हैं कराची को, कराची की हर गली को, हर शहर को, हर टाउन को ओन करते हैं। चेयरमैन रिहान हाशमी ने कहा कि शहर में 8 सालों से गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसे साफ करने के लिए कम से कम 8 माह तो दरकार हैं। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम सुमरो, BRB कामला और सैनिटेशन कामला भी मौजूद था। कैमरामैन राणा उबैद के साथ हिरा लईक, मेट्रो 1 न्यूज कराची।